लकी दादी हैं, लकी दादी के चार पोती भाई। अब मैं जा रहा हूँ प्रसाद खाने, ये बेसिकली प्रसाद है, ये की सब्जी। तो बेसिकली सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। हाँ। और आपका फास्ट आज से चालू है या कल से चालू? नहीं, कल से चालू। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, हम सब भी यहाँ स्वस्थ हैं। तो गाइस आपको मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से नहाए खाए छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने कल के ब्लॉग में देखा होगा, सब बच्चे आ गए हैं, भैया भाभी आ गए हैं, बहुत मज़ा आ रहा है गाइस। और गाइस आज फ्राइडे मार्केट था, सामान वगैरह लेके आ गए हैं, तो ये पहले बच्चों से मिलाते हैं और उसके बाद फ्राइडे मार्केट, उसी को तो बोलते हैं, और फिर आगे बढ़ाते हैं ब्लॉग को। मिलिए गाइस बच्चों से। तो गाइस बाछू हेलो कर दो। हेलो कर दो। अभी सो के उठी है किट्टू अपने स्टाइल में? अच्छा हेलो गाइस इसे करती है। तो गाइस बहुत शैतानियां हुई है, बहुत कुछ शूट नहीं हो पाया है, लेकिन हाँ अभी देखते हैं और क्या क्या ब्लॉग में ऐड कर सकते हैं, ब्लॉग पे बने रहिए। तो ये देखिए गाइस, एक टेबल सब्जी है, गोभी है, मूली है, मटर है, बैंगन है, टमाटर है, भिंडी है, धनिया का पत्ता है, मटर है, सेम है, और लहसुन है, और ये मिर्च है गाइस। एक इतना सारा सब्जी है मम्मी है। अच्छा एक बार बताओ मम्मी, गाइस को ये बता दो कि नहाए खाए में क्या क्या होता है। तो गाइस जैसा कि आपको मालूम है आज नहाए खाए है, और बासु उधर अभी सो के उठी है, भैया भाभी कहीं गए हैं इसलिए वो रो रही है। तो नहाए खाए में क्या होता है बता दो। भगवान सूर्य का व्रत है, तो पहले तो उनको अर्घ दिया जाता है, उसके बाद दिया फिर सब्जी बनता है, कच्चे चावल का चावल बनता है, अरहर का दाल बनता है, आंवला का चटनी बनता है। तो गाइस बासु जोर जोर से रोने लगी थी, भैया भाभी कहीं गए हुए हैं, वो आएंगे तभी जाके बचो क्योंकि मम्मी आप बताइए और क्या बता रही थी। अरहर का दाल बना, चटनी बना, ये के सब्जी। तो बेसिकली सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। हाँ। और आपका फास्ट आज से चालू है या कल से चालू? नहीं, कल से चालू, खरना के दिन से, कल खरना है गाइस। तो नहाए खाए से स्टार्ट हो जाता है छठ का पर्व गाइस, महापर्व छठ, बहुत बड़ा पर्व होता है गाइस। और कल से आपको ब्लॉग में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, कल खरना है, कल किस तरह से पूजा भी। ये देखिए गाइस सब्जी बेचने लग गए हैं भाई, कैसे है गोभी, कैसे जोर जोर से बेचते हैं सब्जी, जरा बेच के दिखाओ। तो गाइस आपने देखा होगा इसमें आपको कहीं भी प्याज नहीं दिख रहा होगा, प्याज ऐसी गलती से हो। हाँ, प्याज नहीं दिख रहा होगा। ए बसु गाइस देखिए, डॉक्टर ने इसको मना किया था कि कलरफुल चीज नहीं खाना है। रिएक्शन इधर दिखाओ, तो फेस फेस जरा इधर करो, मना किया। बाचू क्यों रो रही हो? मेरे पास जाना है। मम्मी के पास तो हो, यहाँ देखो मम्मी है ना, ये मम्मी नहीं है, है? ये कौन है? छोटी मम्मी है ना, जाओ मम्मी की गोदी में चले जाओ। आप क्यों नहीं खा रहे हो? मेरी मम्मी अभी लाएगी दाल चावल। आज नहाए खाए में गाइस यही खाना बनता है, दाल चावल भुजिया। और क्या क्या बनता है भाभी? दाल चावल भुजिया अभी खाना। हाँ नहाए खाए में दही है ना, विधि दाल चावल भुजिया है। अच्छा ए गिर मत जाना, गिर मत जाना। तो गाइस आप देख रहे हैं आज नहाए खाए है, और मम्मी ने बताया कि नहाए खाए में बेसिकली क्या क्या होता है। और गाइस कल खरना है, महापर्व छठ शुरू हो चुका है गाइस, घर में बहुत लोग, मतलब पूरा घर भरा हुआ है, हम पूरे परिवार एक साथ हैं गाइस, तो बहुत खुशी का दिन है, त्यौहार भरा दिन है गाइस। आपके यहाँ भी छठ हो रहा होगा, छठ माँ सभी पे कृपा बना के रखें गाइस। अभी खाना पीना हुआ नहीं है गाइस, खाना पीना भी होगा, वो सब भी दिखाऊंगा। और गाइस परसों सांझ वाला अर्घ है, तो सब कुछ आने वाला ब्लॉग में बहुत इंटरेस्टिंग होगा गाइस, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। पूजा मम्मी कैसे कर रही है, हम लोग कैसे घाट बना रहे हैं, हम लोग गंगा जी पे तो जाते नहीं है गाइस वहाँ पे, लेकिन जो भी घाट बनाएंगे, जिस तरह से बनाएंगे, अगर आपने मेरा पुराना ब्लॉग देखा है तो आपको पता होगा, नहीं तो गाइस आपको बहुत चीज़ देखने को मिलेगा, ब्लॉग पे बने रहिएगा। देखिए गाइस बच्चे दादी के साथ जो यहाँ पे रात के समय में क्या हो रहा है। अच्छा कैसे बोलते हो बच्चों? अभी तो रो रही थी तुम। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? छोटे पापा। छोटे पापा? हाँ। ये छोटे पापा क्या होता है? छोटे पापा मतलब छोटे पापा। और दादी, दादी किसकी? दादी मेरी है। किसकी दादी है?
दादी हमारी है। देखो दादी की गोदी में सबसे पहले कौन जाएगा? गाय। किट्टू दादी की गोदी में सबसे पहले कौन जाएगा? अरे भाई ये देखिए गाइस, देखिए लकी दादी है, लकी दादी के चार पोती भाई, लकी दादी है भाई, मम्मी लकी दादी नहीं। गाइस देखिए उधर ग्रीन ग्रीन स्काई। हाँ ग्रीन स्काई होगा। ये देखिए गाइस, अब मैं जा रहा हूँ प्रसाद खाने। ये बेसिकली प्रसाद है, ये मम्मी ने खाया हुआ है, तो मम्मी ने जो खाया है वो हमें खाना होता है प्रसाद। मम्मी ने निकाल दिया था और इस पे देखिए मम्मी थोड़ा सा दही दे रही हैं, तो ये मेरा प्रसाद हो गया। तो प्रसाद खाने के बाद खाने में आलू गोभी की सब्जी है, भुजिया है, रोटी है, खाते हैं। तो गाइस खाने में मैं और भैया साथ में बैठे हैं, तो खाना खाते हैं और फिर बताते हैं। तो गाइस मस्त खाना पीना हो गया, सब सो गए हैं, मैं भी थोड़ी देर के लिए आँख लगी गया, बहुत थक गया था मैं भी थोड़ी देर के लिए सो गया था, लेकिन अब ब्लॉग एंड भी करना था। और गाइस आज नहा खाया था, कल खरना है, परसों सांझ वाला अर्घ है, बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग आने वाले हैं गाइस, ब्लॉग को बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। आज अपने ब्लॉग में देखा मम्मी ने पूरा बताया कि नहा खाए के दिन क्या होता है, क्या पूजा विधि होती है, क्या खाना बनता है, मैंने दिखाया भी है प्रसाद भी खाते हुए। आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करता हूँ गाइस, अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ हमारे ब्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, कल खरना ब्लॉग है, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।